Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों के से संबंधित चर्चा के श्रृंखला में आज हम एम एस गुलवलकर या माधवराव सदाशिव गोलवलकर के बारे में चर्चा करेंगे गोलवलकर को हम अक्सर गुरु गोलवलकर के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रमुख कारण यह है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और वो आर एस एस में यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में uh, एक शिक्षक के रूप में ही uh, जाने जाते थे शुरुआती दौर से ही अपनी युवावस्था से ही वो एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनके विद्यार्थियों ने और उनसे छोटे लोगों ने या कुछ हद तक उनके समवयस्क लोगों ने भी उनको गुरु जी कहना आरम्भ कर दिया था जिसके कारण से वो आगे चलकर गुरु गोलवलकर के नाम से प्रसिद्ध हुए भारतीय दक्षिण पंथ के एक प्रमुख चिंतक के रूप में गुलवलकर को जाना जाता है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे पहले सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे और इन्होंने अपने जीवन में अपने कार्यों के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को काफ़ी गहरे स्तर तक प्रभावित किया और उसके माध्यम से भारत की चिंतन पद्धति या भारत की राजनीति पर भी प्रभाव डाला केशव बलिराम हेडगेवार ने और उनके कुछ साथियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी 1925 में और उसके बाद के दौर में जब वो इस दुनिया से चले गए तक 1940 में तब गुरु गोलवलकर गुल, या माधव सदाशिव गोलवलकर जिन्हें कई बार माधव राव सदाशिव गोलवलकर भी पुकारा जाता है उनके पूरे नाम के रूप में वो सरसंचालक बने और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक अलग ही दिशा प्रदान की और आगे हम ये देखेंगे कि असल में आर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को संक्षिप्त रूप में आरएसएस कहा जाता है कई बार संघ परिवार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं इन शब्दों का आगे अदल बदल कर प्रयोग करूँगा तो हम यह देखेंगे कि आ, जो आरएसएस का विस्तार हुआ और जिस तरीके से उसने बहुत स्वयंसेवकों की एक फ़ौज खड़ी करने की कोशिश की और उसमें उसे काफ़ी सफलता मिली उसमें गुलवलकर की वैचारिक निष्ठा ईमानदारी समर्पण और लगातार काम करने की प्रवृत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही उनके विचारों की जो प्रमुख बातें हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे मैं आपके सामने आज की जो हमारी चर्चा है उसकी रूपरेखा रखना चाहूँगा सबसे पहले हम उनके आरंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे फिर हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका कैसे जुड़ा हुआ और फिर जब वो आर के सर के सरसंचालक बने तो उस रूप में गोलवलकर की क्या भूमिका रही और उसमें थोड़ा विस्तार से देखेंगे क्योंकि उनके कार्यकाल में आरएसएस काफ़ी उथल पुथल से गुजरा बहुत सी बड़ी बड़ी चुनौतियां उसके सामने आईं और उस समय गोलवलकर ने जिस तरह के फैसले किए उनकी काफ़ी हद तक आलोचनात्मक समीक्षा हो सकती है उसके बाद हम उनकी प्रकाशित कृतियों की बात करेंगे और फिर हम वैचारिक स्तर पर जो उनकी कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं उनको सामने लाने वाली बातों पर विचार करेंगे पहला हम समाजवाद और विदेशी विचारों के विरोध के संदर्भ में उनके विचारों को देखेंगे फिर हिंदू राष्ट्र की उनकी अवधारणा के बारे में बातचीत करेंगे और हिंदू राष्ट्र को वो किन चीज़ों से खतरा मानते थे और उसको उस खतरे का समाधान वो कैसे देखते थे इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे आखिर में हम इनके विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर आ, का जन्म जिन्हें संक्षेप में माधव सदाशिव गोलवलकर या गुरु गोलवलकर भी कहा जाता है उनका जन्म 19 फरवरी 1906 में हुआ था और मृत्यु 5 जून 1973 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संचालक थे इनके अनुयायी प्रायः इन्हें गुरुजी के ही नाम से अधिक जानते हैं हिंदुत्व की विचारधारा का प्रवर्तन करने वालों में उनका नाम प्रमुख है वे संघ के कुछ आरंभिक नेताओं में से एक हैं उनका जन्म 19 फरवरी 1906 को महाराष्ट्र के रामटेक में हुआ था वे अपनी माता पिता की चौथी संतान थे उनके पिता का नाम श्री राव उपाख्य भाऊ जी तथा माता का नाम श्रीमती लक्ष्मीबाई उपाख्याय ताई था उनका बचपन में नाम माधव रखा गया पर परिवार में वे मधु के नाम से ही पुकारे जाते थे पिता राव प्रारंभ में डाक तार विभाग में कार्यरत थे परंतु बाद में उनकी नियुक्ति शिक्षा विभाग में 1908 में अध्यापक पद पर हो गई वे जब मात्र दो वर्ष के थे तभी उनकी शिक्षा आरंभ हो गई थी पिता उन्हें पढ़ाते थे वे एक मेधावी विद्यार्थी थे सन उन्नीस में उन्होंने हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा में विशेष योग्यता दिखाकर छात्रवृत्ति प्राप्त की सन उन्नीस में 16 वर्ष की आयु में माधव ने कि गोलवलकर ने मैट्रिक की परीक्षा चांदा अपचंद्रपुर के जुबली हाई स्कूल से उत्तीर्ण की इसके बाद 1924 में उन्होंने नागपुर के ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित हिस्लाफ कॉलेज से विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1924 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया सन उन्नीस में उन्होंने बी और सन उन्नीस में एम की परीक्षाएँ भी प्राणी विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की इस तरह हम कह सकते हैं कि उनका विद्यार्थी जीवन अत्यंत यशस्वी रहा विश्वविद्यालय में बिताए चार वर्षों के कालखंड में उन्होंने संस्कृत महाकाव्यों पाश्चात्य दर्शन श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद की ओजपूर्ण एवं प्रेरक विचार संपदा भिन्न भिन्न उपासना पंथों के प्रमुख ग्रंथों तथा शास्त्रीय विषयों के अनेक ग्रंथों का आस्थापूर्वक पठन किया यह एक तरीके से उनकी अभिरुचि को भी दिखाता है क्योंकि वो विज्ञान के विद्यार्थी थे पर विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद उन्होंने इन तमाम विषयों को पढ़ा इनसे जुड़ी हुई बातों को समझने की कोशिश की आ, इस और उनकी रुचि आध्यात्मिक जीवन की ओर भी जागृत हुई एम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वे प्राणी शास्त्र विषय में मत्स्य जीवन पर शोध कार्य हेतु मद्रास जो कि अब चेन्नई है वहाँ चे, वहाँ के मत्स्यालय से जुड़ गए थे एक वर्ष के दौरान ही उनके पिता श्री भाव जी सेवानिवृत्त हो गए जिसके कारण वह

नागपुर आकर भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अत्यंत खराब हो गई थी इसी बीच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्हें निदर्शक या डेमोनस्ट्रेटर पद पर सेवा करने का प्रस्ताव मिला 16 अगस्त सन उन्नीस को वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग में अस्थायी रूप से निदर्शक का पद पर नियुक्त हुए अपने विद्यार्थी जीवन में भी माधव राव अपने मित्रों के अध्ययन में उनका मार्गदर्शन किया करते थे और जब वे अध्यापक बन गए तो वह उनकी आजीविका का ही साधन बन गया उनका अध्यापन का विषय प्राणी विज्ञान यानी कि जुलॉजी था विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी प्रतिभा पहचान कर उन्हें बीए की कक्षा के छात्रों को अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र भी पढ़ाने का अवसर दिया अध्यापक के नाते माधवराव या गोलवलकर अपनी विलक्षण प्रतिभा और योग्यता से छात्रों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए उनके छात्र उनको गुरु के नाम से संबोधित करने लगे और जैसा मैंने आरंभ में बताया इसी नाम से वो आगे चलकर जीवन भर जाने गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनके जुड़ाव की हम बात आगे करेंगे लेकिन यहाँ पर आ, हमें कुछ बातों को साफ तौर पर समझने की ज़रूरत है एक तो बात यह है कि जो गोलवलकर थे अगर हम उनके जन्म के वर्ष को याद करें तो वो भगत सिंह से एक साल उम्र में बड़े थे लेकिन उनकी वैचारिक यात्रा भगत सिंह के विपरीत चली और वो जिन परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे या वो बड़े हो रहे थे वो परिस्थितियाँ ऐसी थी जहाँ पर भारत की आज़ादी का संघर्ष चल रहा था लेकिन उसके साथ साथ एक धारा या हम कहें दो धाराएं ऐसी थीं जो कि अलग तरीके से बातों को देखती थीं और सोचती थीं एक उसमें मुस्लिम संप्रदायवाद की धारा थी और दूसरी धारा ऐसी थी जिसे हम हिंदू संप्रदायवाद कह सकते हैं या फिर हिंदू पुनरुत्थानवाद की धारा कह सकते हैं और इन दोनों धाराओं में मुख्य चिंता अपने समुदाय की थी इन दोनों धाराओं में मुख्य चिंता यह थी कि इनका यानी कि मुस्लिमों का और हिंदुओं का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है भारत में और अब स्थिति ये है कि वो बुरी स्थिति में हैं उनके हालात खराब हैं और उस हालात को खराब होने का कारण मुस्लिम सांप्रदायिक नेताओं ने हिंदुओं को माना और हिंदू सांप्रदायिक नेताओं ने मुस्लिमों को माना और कुछ हद तक इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अंग्रेजों को भी दी लेकिन मोटे तौर पर उनकी रणनीति अंग्रेजों से सीधा टकराव ना करके अपने मुख्य दुश्मन यानी कि मुस्लिम सांप्रदायिक धारा के लिए मुख्य दुश्मन हिंदू सांप्रदायिक धारा हुई और हिंदू सांप्रदायिक धारा के लिए मुख्य दुश्मन मुस्लिम सांप्रदायिक धारा हुई उसको माना और दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी राजनीतिक करते रहे यह एक राजनीतिक सोच है जिसमें हिंदू पुनरुत्थानवाद की बात कही गई उसी तरीके से जैसे कुछ लोग मुस्लिम पुनरुत्थानवाद की बात कर रहे थे और इसी धारा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्थापित किया और बहुत सारे युवा जैसे भगत सिंह जैसे चंद्रशेखर आजाद वो देश की आजादी के लिए और अंग्रेजों को मुख्य समस्या के रूप में देख रहे थे उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे पर उसके परोक्ष दूसरे कई ऐसे युवा थे जो दूसरे तरह की धारा की तरफ आकृष्ट हुए जिन्हें लगता था कि हिंदुस्तान की जो मुख्य समस्या है वह यह है कि हिंदू जो है वो दमित स्थिति में है और वो दमित स्थिति में इसलिए है क्योंकि मुस्लिमों का उनके ऊपर शासन रहा है तो उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद हिंदुओं को संगठित करने हिंदुओं को गोलबंद करने हिंदुओं को राजनीतिक रूप से मजबूत करने की राजनीति की ओर अपना ध्यान लगाया और उनका ध्यान राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ या तो नहीं गया या बहुत कम गया अगर हम गोलवलकर को एक ऐसे ही युवा के रूप में देखें जो इस समय बड़े हो रहे थे तो यह गलत नहीं होगा और वो राजनीति से काफ़ी हद तक दूर रहें लेकिन धीरे धीरे जब वो पढ़ रहे थे तब वो हिंदू पुनरुत्थानवाद की जो लेखक माने जा सकते हैं उनकी व्याख्या अलग तरीके से भी हो सकती है पर मोटे तौर पर जो हिंदू धर्म के दायरे के चिंतक थे उनको उन्होंने पढ़ा पश्चिमी चिंतकों को भी पढ़ा लेकिन उनकी धारणा ज़्यादा मजबूत होती गई हिंदू पुनरुत्थानवाद की तरफ और आगे चलकर इस इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर गोलबलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, से जुड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंचालक केशव बलिराम हेडगेवार यह चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनके संगठन से जुड़ें इसी उद्देश्य से उन्होंने नागपुर के स्वयंसेवक भैया जी दानी को काशी भेजा इन्हीं के माध्यम से गोलवलकर संघ के संपर्क में आए उन्नीस में वे नागपुर वापस आ गए नागपुर में उनके जीवन की में एक नए मोड़ का आरंभ हो गया वे हेडगेवार के व्यक्तित्व और विचारों से गहरे स्तर पर प्रभावित हुए 1938 के पश्चात संघ कार्य को ही उन्होंने अपना जीवन कार्य मान लिया डॉक्टर हेडगेवार के साथ निरंतर रहते हुए अपना सारा ध्यान संघ के कार्यों पर ही उन्होंने केंद्रित किया और ऐसा करते हुए वो हेडगेवार के काफी निकट आ गए और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के प्रति जो उनका संपूर्ण समर्पण भाव था और उनके भीतर जो प्रबल आत्मसंयम था उसके कारण उन्नीस में माधव सदाशिव गुलवलकर को संघ का सर कार्यवाह नियुक्त किया गया उन्नीस यानी यानि कि वो सीधे तौर पर हेडगेवार के बाद दूसरे स्थान पर आ गए 1940 में डॉक्टर हेडगेवार का ज्वर बढ़ता ही गया और अपना अंत समय जानकर उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं के सामने माधव यानी कि गुलवलकर को अपने पास बुलाया और उन्हें सरसंघ चालक बनाया इक्कीस जून उन्नीस को हेडगेवार की मृत्यु हो गई यहाँ हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जब गोलवलकर आरएसएस के सर संचालक बने उस समय उनकी उम्र तकरीबन 36 साल या चौंतीस साल थी और चौंतीस साल की उम्र में वो इसके सर संचालक बने और जब वो संचालक बने तो कई ऐसे दूसरे वरिष्ठ लोग थे जो उम्मीद लगा बैठे थे कि शायद वो सरसंघचालक बनेंगे बाला साहब देवरस का भी नाम उसमें प्रमुख है जो बाद में यानी कि गोलवलकर के बाद सरसंघचालक बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्य पद्धति है उसमें जो सरसंघचालक होते हैं उनकी स्थिति सबसे प्रमुख होती है ऐसा नहीं है कि वो अपने नीचे के जो दूसरे अधिकारी हैं जो पदाधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श नहीं करते लेकिन अंत में यह माना जाता है कि एक बार संघ चालक ने जो आखिरी फैसला ले लिया उस पर पूरे संघ के लोगों को उसका पालन करना है उसका अनुसरण करना है और यह अनुशासन आर की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती थी तो जो मुख्य बात मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ वह यह कि जब गोलवलकर दूसरे सरसंघ चालक बने तो उन्हें अंदरूनी रूप से भी एक तरह की आ, नाराजगी अगर हम शब्द ना भी इस्तेमाल करें तो छोटे मोटे असंतोष का सामना करना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी युवा थे और उस रूप में उन्होंने उन्हें उन्होंने सरसंचालक का पद संभाला और उसके बाद वो एक लंबे समय तक उन्नीस तक आर के सरसंघचालक बने रहें इस दौर में आर की गतिविधियों का उन्होंने काफ़ी प्रसार किया इसके बारे में हम आगे आ, देखेंगे आ, और यह भी साफ़ है कि इस दौर में आरएसएस एस के भीतर जो भी निर्णय लिए गए उन उस पर गोलवलकर के विचारों की गहरी छाप रही उनके नेतृत्व में आरएसएस ने यह फैसला लिया कि वह अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाले भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा और यह फैसला गोलवलकर के द्वारा लिया गया हालांकि बाद में आर के विद्वानों ने यानी आरएसएस पर से जुड़े विद्वानों ने या आरएसएस पर रिसर्च करने वाले और उससे हमदर्दी रखने वाले विद्वानों ने यह दलील दी कि व्यक्तिगत रूप से संघ के स्वयंसेवकों के आंदोलन में भाग लेने पर पाबंदी नहीं थी और यह भी कहा गया कि जब हेडगेवार भी शामिल हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में और उस तौर पर उसके एक भाग में तो वो वो भी ये आ, अपना जो सर संचालक का पद था कुछ समय के लिए दूसरों को देकर गए क्योंकि उनकी मुख्य मंशा यह थी कि हिंदुओं के एक संगठन के रूप में आर हमेशा ही अपने अस्तित्व में रहें कभी भी सरकार के गुस्से का भाजन वह ना बने और इसी लिहाज को या इसी परिपाटी का पालन करते हुए यह कहा जाता है कि गुलवलकर ने भी खुद को देश की आज़ादी के आंदोलन से दूर रखा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों की निगाह में वे आए और उनके माध्यम से उनका संगठन आए और उनका संगठन अंग्रेजों का को भाजक बने कांग्रेस के साथ ही साथ उन्होंने यानी कि गुलवलकर ने आ उसके समानांतर चल रहे क्रांतिकारी आंदोलनों से भी दूरी रखी यह एक ऐसा दौर था जो कि किसी भी व्यक्ति के को उद्वेलित कर किसी भी इंसान को भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिक को उद्वेलित कर सकता था क्योंकि एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस क्रांति की लौ जगाकर विदेश में आज़ाद हिंद फौज का गठन करके देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे लेकिन आ, जो गोलवलकर थे या गोलवलकर के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय स्वयं संघ था उसने इन दोनों से ही दूरी बनाकर रखी और उसके पहले भी गोलवलकर कभी राष्ट्रीय आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए और इसका बुनियादी कारण यह था कि उपनिवेशवाद का विरोध करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य लक्ष्य नहीं था गोलवलकर चाहते थे कि वो हिंदू समाज को मजबूत करें ताकि उनकी नज़रों में मुसलमानों ने हिंदू समाज का जो अपमान किया उसका वो बदला ले सके या वो इतना मजबूत हो पाए कि वो बाक़ी जो दूसरी तरह की विरोधी ताकतें हैं उनका सामना कर पाए गुलवरकर का मानना था कि अगर हम अंग्रेजों को किसी कारण से नाराज़ करेंगे तो उनके हिंदू ध्रुवीकरण के उद्देश्य पर आँच आएगी यानी कि आर के हिंदू ध्रुवीकरण के उद्देश्य पर आँच आएगी और अंग्रेज भी उनके खिलाफ हो जाएंगे इससे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करने की उनकी मुहिम को धक्का लगेगा और इस दौर में यह भी ध्यान देने वाली बात है कि गुलवरकर ने हमेशा ही हिंदू महासभा से एक दूरी बनाकर रखी और बाद के दौर में भी उन्होंने अपना आर का एक राजनीतिक फ्रंट खड़ा किया भारतीय जनसंघ के रूप में जो कि आर के मार्गदर्शन में ही काम करता था और आर के जो स्वयंसेवक थे उसके भाग होते थे लेकिन फिर भी वो राजनीति को बहुत आकर्षक चीज़ नहीं मानते थे और उन्हें यह लगता था कि सामाजिक स्तर पर लोगों को जागृत करना गोलबंद करना एक निश्चित उद्देश्य के लिए उनमें ऊर्जा भरना यह ज़्यादा जरूरी काम है लेकिन इस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक तो आ, सबसे बड़ी बात यह हुई कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और यह हत्या नाथुराम गोडसे ने की जिसके बारे में यह कहा गया कि वह पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था राष्ट्रीय स्वयं संघ की ओर से यह कहा गया कि वह पहले भले ही जुड़ा हो लेकिन उस समय पर उसका आर से कोई लेना देना नहीं था वो आर से बाहर जा चुका था लेकिन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर पर प्रतिबंध लगा दिया तकरीबन तक्रीब, तकरीबन 18 महीनों तक संघ यानी कि आर पर प्रतिबंध लगा रहा आर के लिए दौर काफ़ी उथल पुथल भी रहा गुलवलकर को भी जेल जाना पड़ा आम लोगों में भी आर की छवि को गहरा धक्का लगा हालांकि 11 जुलाई उन, उन्नीस को प्रतिबंध को हटा लिया गया और तत्कालीन मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ शर्तें रखी और जो गोलवलकर थे उन्होंने उन शर्तों को मान लिया इस शर्त के साथ प्रतिबंध हटाया गया कि संघ अपना संविधान बनाए और उसे प्रकाशित करें जिसमें लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होंगे इसके साथ ही वह राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहेगा और सांस्कृतिक गतिविधियों में लिप्त रहेगा इसके अलावा यह शर्त भी रखी गई कि संघ हिंसा और गोपनीयता का त्याग करेगा भारत के ध्वज और संविधान के प्रति वफादार रहने के शपथ लेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखेगा तो इन सब बातों को गुलवलकर ने स्वीकार किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और प्रधानमंत्री की सहमति से इन पर से प्रतिबंध हटा लिया क्योंकि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाना एक सही संदेश नहीं दे रहा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो भारत सरकार थी उसको इस बात का कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला कि जो आरएसएस है या आरएसएस के नेतृत्व के करने वाले जो लोग हैं उनका महात्मा गांधी की हत्या में या हत्या के षड्यंत्र में कोई सीधा जुड़ाव था तो इसके कारण से प्रतिबंध हटा लिया गया लेकिन निश्चित रूप से जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब प्रतिबंध लगाया था तो काफ़ी तीखी टिप्पणियाँ की थी और उसमें एक टिप्पणी यह भी थी कि जब इस तरह का, का, का जघन्य अपराध हुआ तो कई स्थानों पर आर एस को लोगों ने मिठाइयाँ बाँटी थी तो ये एक बात थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय गुलवलकर से कही और ये बयान भी जारी किया लेकिन बाद में जब ये सारे घटनाक्रम हो गया और गुलबलकर ने इस चीज़ से बाहर निकलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नए तरीके से संगठित करने उसका विस्तार करने की कोशिश की और उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि किस तरह से समाज के जो अलग अलग तबके हैं वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का प्रसार करने के लिए संगठन बनाया जाए और आरएसएस के विद्यार्थी शाखा के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई उन्नीस को किया गया और इसकी स्थापना संघ कार्यकर्ता बलराग बलराज मधोक के नेतृत्व में की गई थी और बलराज मधोक जो थे वो बाद में जाकर जनसंघ के बड़े नेता भी बने और वो धीरे धीरे करके फिर राजनीति से भी अलग हो गए वो एक अलग कहानी है और अगर आपकी भारत की स्वतंत्र भारत की बात स्वतंत्र भारत की राजनीति में रुचि है तो आपको जरूर इनके बारे में पढ़ना चाहिए लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर इस बिंदु को रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से गोलवलकर संघ का प्रसार करना चाहते थे उसमें उन्होंने पहले एक विद्यार्थियों के लिए एक अलग से शाखा का निर्माण किया उसके बाद गोलवलकर के निर्देश पर ही भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पहल की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई पहले आम चुनावों से कुछ समय पहले और यह एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में था और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोलवलकर ने हिंदू महासभा से जुड़ाव की संभावनाओं से खुद को अलग किया और एक पृथक पार्टी और पृथक दल बनाकर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने के विचार को स्वीकार किया लेकिन हमें यह या याद रखना चाहिए कि ऐसा करने के बावजूद गोलवलकर राजनीति को बहुत ही महान कार्य के रूप में नहीं देखते थे उनके लिए महान्य कार्य कार्य सामाजिक कार्य था लोगों के बीच में अपने विचारों का प्रसार करने का काम था जिसे वो ज़्यादा दीर्घकालिक मानते थे और इसी दिशा में काम कर रहे थे लेकिन उन्होंने इस विचार को नकारा नहीं कि एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में बने जो लोग युवा हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता है लेकिन बस इस चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ स्पष्ट करूँगा कि भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का पूर्व रूप है 1977 में जब इमरजेंसी हटी और एक नए दल के निर्माण की बात आई जे के पहल पर और जनता पार्टी का निर्माण हुआ तब भारतीय जनसंघ उसमें मिल गया था लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार नहीं चली तो फिर 1980 में भारतीय जनसंघ को एक नए नाम के साथ आ, सामने लाया गया तो आज जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी केंद्र में सरकार है या जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी और नरेंद्र मोदी जैसे नेता रहे हैं वह भारतीय जनसंघ के बाद का रूप है तो एक तो उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की उसके पहले उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना कराई इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना भी उन्नीस में करवाई अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम आरंभिक दौर में बहुत ही छोटे स्तर पर काम कर रहा था और इसने अपना काम जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है वहाँ से आरंभ किया और इसमें इसकी जो स्थापना हुई उसमें जिन व्यक्तियों ने भूमिका महत्वपूर्ण निभाई उन सभी व्यक्तियों का जो मुख्य लक्ष्य था वह गोलवलकर के द्वारा ही परिभाषित किया गया था और वह मुख्य लक्ष्य इस बात से जुड़ा हुआ था कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर जो एक पूरी व्यवस्था चल रही है ईसाई मिशनरियों की जिसके माध्यम से वो ईसाइयों का धर्मांतरण कर रहे हैं उसका विरोध करना है रमाकांत देश पांडे जो कि गोलवलकर के दूर के रिश्तेदारे थे उन्होंने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का की स्थापना की और इसके माध्यम से आदिवासी इलाकों में दो स्तरों पर काम शुरू किया गया एक तो ईसाई मिशनरियों का विरोध और दूसरा जो आदिवासी लोग थे जिन्हें की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वनवासी कहा उनके उन्हें हिंदू धर्म या हिंदू प्रतीकों से ज्यादा जोड़ना हालांकि इसकी इसका बुनियादी विश्वास यही था जो कि गुलवलकर तरफ से यह आता था कि ये सारे लोग जो हैं वो वनवासी हैं पिछड़े हुए हिंदू हैं हिंदू धर्म के ही हिस्से हैं और इन पर ईसाई मिशनरियां अपना लगातार एक तरीके से कब्जा जमा रही हैं इन्हें ईसाई धर्म में बदल रही हैं तो इनका मुकाबला करना है तो इस दिशा में उन्होंने काम किया फिर भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई 23 जुलाई 1955 को और आगे चलकर यह देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन बना और दत्तोपन ठेंगड़ी जैसे कई लोग इससे जुड़े और ये सभी इस बात की कोशिश करते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं या जहां मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें जुड़ा जाए संघ से संघ के विचारों से जुड़ा जाए और उन्नीस में चौंसठ में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना किया गया और यह भी गुलवलकर के मार्गदर्शन में ही हुआ गुलवलकर यह चाहते थे और बहुत सारे जो विदेशी लोगों से इनकी बातचीत हुई उससे यह प्र, वे प्रभावित हुए कि असल में दुनिया के दूसरे भागों में भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और उन्हें भी गुलबंद करने की ज़रूरत है उन्हें भी आर एस के विचारों से अनुप्राणित करने की ज़रूरत है इस बात की ज़रूरत है कि वो एक तरीके का संबल एक तरह की सहायता आरएसएस जो भारत में काम कर रहा है उसे उपलब्ध कराएं और वो जहां रहते हैं वहाँ पर आर भी उन्हें एक संबल उपलब्ध कराए और ऐसा करके एक वैश्विक स्तर पर जो हिंदुओं के बीच में जुड़ाव की भावना होनी चाहिए उसकी स्थापना हो तो ये विश्व हिंदू परिषद का काम था जिस जो कि आज भी बहुत सक्रिय है और अलग अलग तरह के मुद्दों को उठाता है गुलवलकर ने मुख्य रूप से इन इस सभी संगठनों के माध्यम से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि किस तरीके से संघ के काम की स्वीकार्यता बढ़े लोग संघ के काम को जाने और एक तरीके से उसकी छवि को जो धक्का लगा महात्मा गांधी की हत्या में नाम आने से और प्रतिबंध लगने के कारण जो उसकी छवि पर एक चोट आई या उस पर एक आंच आई वो दूर हो सके और संघ एक कल्याणकारी संगठन के रूप में हर जगह सामने आ पाए कई ऐसे मौके आए जहाँ पर देश में कोई प्राकृतिक आपदा आई तो वहाँ पर गोलवलकर के निर्देश पर जो संघ के कार्य स्वयंसेवक थे वो गए वहाँ पर उन्होंने लोगों की मदद की तो एक तरीके से उनका पूरा जोर इस बात पर रहा कि समाज के स्तर पर जो अलग अलग समूह हैं उनके भीतर एक स्वीकार्यता संघ के विचारधारा के रूप में बढ़े और यह स्वीकार्यता गोलबलकर किसी राजनीतिक सत्ता संघर्ष के माध्यम से हासिल नहीं करना चाहते थे वो यह चाहते थे कि लोगों के बीच में मौजूद रहकर वहाँ के लोगों को खुद से जोड़कर अपनी विचारधारा से वो जोड़ें और इस लिहाज से उनका सारा काम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उन्होंने संघ के सदस्यों को राजनीति से दूर रहने की सलाह भी दी यह अलग बात है कि बाद के सरसंघ चालकों ने देश की राजनीति को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित करने में कोई गुरेज नहीं किया और ये जो अलग अलग विद्वान हैं वो इन बातों को कहते हैं जैसे निलंजन मुखोपाध्याय जैसे विद्वान यह मानते हैं कि गोलवलकर सत्ता की राजनीति को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे उनका जोर सामाजिक जीवन में संघ के विचारों के प्रसार पर ज़्यादा था नीलंजन मुखोपाध्याय और अभय दुबे जैसे विद्वान यह मानते हैं कि गुलवलकर के बाद सरसंघचालक बने बाला साहब देवरस ने आरएसएस की वैचारिक और राजनीति को ज्यादा व्यवहारिक रूप से नई दिशा दी यानी कि गुलवलकर ज़्यादा आदर्शवादी थे लेकिन बाला साहब देवरस जो थे उनकी रुचि जो रोज बरोज की राजनीति थी और उसमें संघ किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है उस पर थी और हमें इस अंतर को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझने की ज़रूरत है कि जो गोलवलकर थे वो ज़्यादा आदर्शवादी रूप में सामने आते हैं अपने विचारों के प्रति और वो ये नहीं चाहते हैं कि रोज रोज की राजनीति में स्वयंसेवक उलझें अपनी ऊर्जा को वहाँ पर व्यर्थ रूप से गंवाएं उन्हें यह लगता था कि अगर समाज में आर के प्रति लोगों के मन में एक सद्भाव पैदा होता है तो वह आर और आर की विचारधारा को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से मदद देगा और यह सद्भाव गोलवलकर मानते थे कि एक दिन में नहीं आता है बल्कि लगातार काम करने से आता है और वह सामाजिक स्तर पर काम करने से आता है लेकिन बाला साहब देवरस ने यह महसूस किया कि बहुत सारे जो विचार हैं आर के उनमें भी थोड़े बदलाव करने की ज़रूरत है इसके साथ ही जो राजनीति है उसमें भी आर को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है तभी वह अपने वैचारिक लक्ष्य को हासिल कर सकता है क्योंकि हमारी चर्चा बाला साहब देवरस के बारे में नहीं है इसलिए मैं अभी उस बिंदु पर बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा हम मुख्य रूप से गोलवलकर की बात करेंगे और गोलवलकर के बारे में हमें यह समझना होगा कि आज़ादी के स्थापना के बाद के दौर में उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आर के काम को विस्तार देने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उन्होंने वैचारिक रूप से भी आर को एक दिशा प्रदान की और आर को जो ये दिशा प्रदान की गई वो बाद में कई और चिंतकों ने अलग अलग रूप में आगे बढ़ाया मिसाल के तौर पर दीनदयाल उपाध्याय ने राजनीतिक क्षेत्र में इसे स्पष्ट करने की कोशिश की अब हम आ, इनके कुछ विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे आ, वी आर वी और आवर नेशन डिफाइंड यह उनकी एक प्रकाशित कृति है हम अथवा हमारी राष्ट्रता इसकी परिभाषा है और यह गोलवलकर द्वारा लिखित पुस्तक मानी जाती है इसका प्रकाशन उन्नीस में हुआ था Uh, कई सारे विद्वान जो आर से जुड़े हुए हैं उनसे उस पर काम करते रहे हैं uh, जिसमें ऋतु कोहली बलबीर पुंज और राकेश सिन्हा का नाम प्रमुख है इनका यह मानना है कि इसका लेखन विनायक दामोदर सावरकर के छोटे भाई गणेश दामोदर सावरकर ने राष्ट्र में मानसा के नाम से किया था मराठी में यह पुस्तक थी और बाद में यह पुस्तक वी और आवर नेशन हुन डिफाइंड के नाम से गुलवलकर के लेखक मानते हुए प्रकाशित की गई अभी अपने आप में विवादित प्रश्न हो सकता है कि लंबे समय तक इस बात को साफ क्यों नहीं किया गया कि इसके वास्तविक लेखक गणेश दामोदर सावरकर हैं बहरहाल एक अन्य पुस्तक जो गोलवलकर के विचारों को रखती है उनके प्रमुख संबोधनों को भी उसमें सम्मिलित किया गया वह बंच ऑफ थाट्स है और उन्नीस सौ छाछठ में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया आर एस एस के भीतर बंच ऑफ थाट्स को एक वैचारिक दिशा देने वाले पुस्तक के रूप में भी देखा जाता है और इसमें वो कई तरह के विचार रखते हैं तो अगर हम कुछ बिंदुओं में अगर हम गोलवलकर के विचारों को समझने की कोशिश करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू समाजवाद और विदेशी विचारों के विरोध के रूप में भी सामने आता है उन्नीस में भारत को चीन से अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा था भारत चीन युद्ध में और बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने इसके लिए नेहरू की आलोचना की थी इस समय गोलवलकर ने यह दलील दी कि हिंदू मूल्यों के प्रति अपर्याप्त वचनबद्धता होने के कारण ही राष्ट्र कमजोर हुआ है इस संदर्भ में दक्षिण भारत में उनके द्वारा उन्नीस में दिया गया संबोधन महत्वपूर्ण है गोलवलकर नेहरू समेत भारत के महान या तथाकथित महान नेताओं की आलोचना की यह जो उनका संबोधन है नॉट सोशलिज्म बट हिंदू राष्ट्र शीर्षक से उन्नीस में प्रकाशित हुआ इसमें उन्होंने नेहरू द्वारा समर्पित समाजवाद की विदेशी विचारधारा के बजाय राष्ट्रवाद के देशज मॉडल पर बल दिया गुलवलकर के अनुसार नेहरू और उनके जैसे तमाम नेता यह मानकर चलते हैं कि अमेरिका और यूरोप से आने वाली हर चीज़ आधुनिक है इसी तरह सोवियत यूनियन से आने वाली चीज़ को वे अति आधुनिक मानते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन होने के कारण वे इसे अपनाने योग्य नहीं मानते इनके लिए नवीन विचार ही आकर्षक है गुलवलकर के अनुसार समाजवाद हमारे देश का आदर्श नहीं हो सकता है और इसके लिए वो कुछ कारण बताते हैं पहला यह हमारी परंपराओं से नहीं उपजा है यह भारत के लोगों के लिए एक बाहरी विचार है यह लोगों के जीवन में प्रेरणा और चरित्र का संचार नहीं कर सकता है दूसरा समाजवाद का विचार ही स्वार्थ ईर्ष्या और नफरत पर आधारित है वे मानते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था में अवसर के समानता होती है इसके कारण जिसमें ज़्यादा बुद्धिमत्ता और क्षमता होती है वह ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर लेता है इससे समाज में असमानता और नफरत का जन्म होता है और यहीं से समाजवाद का विचार भी अपने लिए जमीन बनाता है गुलवलकर लोकतंत्र में व्याप्त असमानता को गलत मानते हैं किंतु वे समाजवाद को लोकतंत्र में व्याप्त असमानता की प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं उनके अनुसार इसमें वर्णित इसे वर्णित करने के लिए कई चिंतकों ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और सामाजिक न्याय जैसे शब्दों का प्रयोग किया लेकिन यह सब एक दिखावा है मूल विचार नफरत और वर्ग संघर्ष पर ही आधारित है इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए मनुष्यों में अच्छे चरित्र के निर्माण की उम्मीद नहीं की जा सकती है यहाँ पर हम इस बात को ध्यान देंगे कि कोलवलकर जब अपना ये संबोधन कर रहे हैं या जो अलग अलग समय पर वो लेखन कर रहे हैं वहाँ पर वो बहुत ही सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट होकर अपनी बातों को नहीं कह रहे हैं मतलब वो समाजवाद और साम्यवाद के बीच में अंतर करने के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हैं उन्हें यह लगता है कि इस तरीके के जो विचार हैं और उसमें वो समाजवाद शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि नेहरू ने समाजवाद पर काफ़ी जोर दिया था और उनका जो प्रमुख लक्ष्य था वह यह कि जो जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई हैं वो गलत हैं वो इस बात पर जोर देना चाहते थे लेकिन नेहरू का जो समाजवाद था और जो कम्युनिस्टों का साम्यवाद था वो दो अलग अलग चीज़ें जरूर मानी जानी चाहिए लेकिन वो ये कहते हैं कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं कुछ लोग सामाजिक न्याय की बात कर दें कुछ लोग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात कर दें तो ये सभी बातें सिर्फ एक दिखावा के रूप में ही हैं और हमें यह समझना होगा कि इनके मूल में जो नफरत है और वर्ग संघर्ष है वही है यहाँ पर भी यह प्रश्न जरूर आना चाहिए कि क्या नेहरू जिस रूप में समाजवाद को देखते थे वह नफ़रत की बात करता था या वर्ग संघर्ष की बात करता था तो यह विवरण भी बहुत सही नज़र नहीं आएगा क्योंकि नेहरू जिस रूप में समाजवाद की बात करते थे वह एक लोकतांत्रिक समाजवाद था लोकतंत्र में भी उनकी गहरी आस्था थी कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो गोलवलकर हैं वह समाजवाद और जब वो समाजवाद कह रहे हैं तो उसके साथ अन्य विचार श्रेणियां भी जुड़ी हुई हैं जो बाहर से आ रही हैं वो उन्हें देश के लिए सही नहीं मानते हैं और वो मानते हैं कि हमारे देश में बुद्धिजीवियों का एक ऐसा तबका आ गया है जो अपने देश में उत्पन्न हुए विचारों या अपने देश से जुड़ी हुई बातों को अच्छा ना मानकर जो भी बात विदेश से आती है उसे वो अच्छा मानता है चाहे वो सोवियत यूनियन का कि का जो साम्यवाद हो वो बात हो या फिर कोई अन्य वाद जो कि पश्चिम से चला आ रहा है और उनका यह कहना है कि इससे हमारे देश की स्थिति उलझी है हमारे देश की समस्या बढ़ी है और वो समाधान के रूप में हिंदू राष्ट्र के विचार को सामने रखते हैं वे समाजवाद के स्थान पर हिंदू राष्ट्र के विचार को एक ऐसा आदर्श मानते हैं जिसे लोग आसानी से समझ सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं वे कहते हैं कि राष्ट्रवाद अपने सबसे पवित्र रूप में हिंदू राष्ट्र है यह एक शाश्वत सत्य है कि हम सभी राष्ट्र के सदस्य हैं और हमारे पूर्वज भी राष्ट्र से जुड़े रहे हैं हमें हमेशा अपनी मातृभूमि से प्रेम करना सिखाया गया है हमें यह सिखाया गया है कि यह प्रेम सिर्फ मनुष्यों के प्रति ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और अन्य वस्तुओं के प्रति भी होना चाहिए हमें यह सिखाया गया है कि हम अपना पालन पोषण करने वाली हर वस्तु को माता की संज्ञा दें इसलिए हम गाय प्रकृति और धरती सबको माता मानते हैं किंतु गुलवलकर मानते हैं कि बाहर से आयातित वादों के प्रभाव में हमें यह तथ्य भूलने पर मजबूर किया गया है वे कहते हैं कि खुद को बुद्धिजीवी और प्रगतिशील कहने वाले लोगों ने इस तथ्य को एक पुरातन की संज्ञा दी है पुरातन विचार की संज्ञा दी है गुलवलकर के अनुसार आदर्श यह है कि हम अपने संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम में समर्पित कर दें हालांकि इससे आगे बढ़ बढ़ते हुए वे, वे हिंदुओं को एक राष्ट्र घोषित करते हैं वे उनके बीच में एकता लाने पर बल देते हैं उनके अनुसार हिंदुओं के दोस्त और दुश्मन एक हैं वे कहते हैं कि यह एक सांप्रदायिक विचार नहीं है यदि हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्र के विचार को आत्मसात कर लिया होता तो उनके लिए अन्य समुदायों को नियंत्रण रखना या उन्हें खुद से मिलाकर रखना ज़्यादा आसान होता और इस रूप में तो वो जो अभी मैंने वर्णन किया उसमें आप यह देखेंगे कि वो शुरुआत करते हैं राष्ट्र के उद्दात विचार से और उसके बाद वो पहुंचते हैं हिंदू राष्ट्र के विचार पर और उनका यह कहना है कि जो हिंदू हैं उनके मित्र भी एक जैसे हैं उनके शत्रु भी एक जैसे हैं और वो आपस में एक राष्ट्र के सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं और उन्हें उस राष्ट्र के हर चीज से प्रेम करना चाहिए यानी कि इस राष्ट्र के भीतर के जितने लोग हैं उनसे प्रेम करना चाहिए प्रकृति से प्रेम करना चाहिए पशुओं से प्रेम करना चाहिए जिसमें गाय का सबसे प्रमुख स्थान है और आ, हमेशा ही राष्ट्र यानी कि सामूहिकता के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए और वो राष्ट्र का जो उनका वर्णन है वहाँ से वो सीधे तौर पर जब हिंदू राष्ट्र की तरफ आते हैं तो उसमें मुख्य आधार इसी बात का है कि हिंदू जो हैं उनके दोस्त एक जैसे हैं उनके दुश्मन एक जैसे हैं यानी कि उनके उनकी जो पूरी पहचान है वो एक जैसी है और इस लिहाज से वो एक राष्ट्र हैं और फिर आगे बंच ऑफ थॉट्स जो कि उन्नीस में प्रकाशित हुआ था उसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के बारे में सामने आने वाली समस्याओं के बारे में विचार किया था उनके अनुसार जब भी हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है लोग यह सवाल करते हैं कि मुस्लिमों ईसाई आदि के बारे में क्या विचार है गोलवलकर यह कहते हैं कि असली प्रश्न यह है कि क्या ये लोग खुद को भारत का पुत्र मानते हैं, क्या वे इस के, के कर्तव्य को स्वीकार करते हैं गोलवलकर यह जवाब देते हैं कि उनके भीतर ऐसी भावना नहीं है अपने धर्म परिवर्तन के साथ उन्होंने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को भी खो दिया ऐसा गोलवलकर मानते हैं उनके अनुसार ये लोग खुद को देश के शत्रुओं के साथ जोड़ते हैं विदेशी भूमि पर इनके पवित्र स्थान हैं इसलिए ऐसे लोगों ने न सिर्फ अप, अपना धर्म बदला है बल्कि इन लोगों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान भी बदल ली है गोलवलकर यह दावा करते हैं कि अतीत में जिन लोगों ने धर्मांतरण किया उन्होंने डरकर या फिर पद के लालच में ऐसा किया वे यह आह्वान भी करते हैं कि जो लोग सदियों से धर्म बदल कर धार्मिक दासता की यातना सहन कर रहे हैं उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया जाना चाहिए गुलवलकर लोगों के भीतर मातृभूमि के प्रति प्यार और समर्पण की भावना भरना चाहते हैं किंतु उनकी इस रूपरेखा में सिर्फ उन्हीं मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए स्थान है जो हिंदू धर्म के दायरे में आ जाए हिंदू धर्म के दायरे में आने का यहाँ पर मतलब अगर हिंदू धर्म को स्वीकार करना ना भी है तो हिंदू धर्म के सांस्कृतिक मूल्यों को पूरी तरीके से आत्मसात करना जरूर है जिसमें गोलवर्कर ने कभी स्पष्ट नहीं किया लेकिन जिसमें मुस्लिम मुस्लिम रह सकता है और जिसमें ईसाई ईसाई रह सकता है अगर हम इसकी उदारवादी व्याख्या करें तो वो इसी रूप में सामने आती है लेकिन वो जो एक व्यापक हिंदू धर्म है उसके मूल्यों को मान कर चले तो वो हिंदू दायरे में उनको लाने की बात करते हैं और वो यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग इसमें यानी मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में उत्पीड़ित होते रहे हैं उनके जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया था उन्हें तो हिंदू बनाया ही जाना चाहिए लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि गोलवलकर अपनी अलग पहचान के साथ रहने वाले मुस्लिमों और ईसाइयों को संदेह की निगाह से देखते हैं यहाँ इस बात को भी स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि एक तरह से गोलवलकर पितृभू और पुण्यभू की जो सावरकर का जो विभाजन था उसको स्वीकार करते हैं और ये बहुत रोचक बात है कि सावरकर से कभी वो खुद को राजनीतिक रूप से नहीं जोड़ पाए सावरकर राजनीति को बदलाव का मुख्य साधन मानते थे लेकिन जो गोलवलकर थे उन्हें यह लगता था कि राजनीति एक भटकाव है राजनीति महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है या कम से कम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह कि सामाजिक दायरे में काम किया जाए लोगों के बीच काम किया जाए और पद पाने की इच्छा या सत्ता पाने की इच्छा से अलग हटकर लोगों के बीच में काम करते हुए उनके साथ जुड़ाव रखते हुए उन्हें अपने विचारों के प्रति आकृष्ट करने की कोशिश की जाए लेकिन जिस तरीके से वो मुस्लिमों और ईसाइयों का वर्णन करते हैं और उनके जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर वो मुस्लिमों और ईसाइयों से इतर जो दूसरे अल्पसंख्यक समूह हैं जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म सिख धर्म इन लोगों को वो हिंदू धर्म या व्यापक हिंदू संस्कृति का भाग ही मानते हैं मास्टर तारा सिंह से इनका संवाद रहा और इसमें आ, बार बार ये बात उभर कर सामने आई कि जो इन धर्मों के लोग हैं उससे हिंदू भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और ये एक तरीके से जैसा मैंने पहले कहा कि सांस्कृतिक हिंदुओं की जो सांस्कृतिक दायरा है उसी का भाग है और यह विचार जो पितृभू और पुण्यभू की सावरकर की अवधारणा है उसके काफ़ी निकट है क्योंकि सावरकर भी यह मान कर चलते हैं कि जो लोग जिनका पितृभू और पुण्यभू है वो वास्तव में इस देश के हैं लेकिन जिनके पितृभू यानी जिनका जन्म यहाँ हुआ है और उनका पुण्य भू यानी कि उनका पावन धार्मिक स्थान देश के बाहर है उन्हें संदेह की निगाह से देखने की जरूरत है और इस रूप में गोलवलकर भी अल्पसंख्यक समूहों खासतौर पर ईसाइयों और मुस्लिमों को इस रूप में देखते हैं और ईसाइयों के बारे में जिस तरीके का उनका विचार था वह मूर्त रूप में लाने का काम किया वनवासी कल्याण आश्रम ने जो अभी भी काम कर रहा है और उसमें वो वनवासियों को हिंदू धर्म के दायरे में मजबूती से जोड़ने पर जोर जोड़ देते हैं आगे अगर हम हिंदू धर्म के खतरे और इसके समाधान के बारे में उनके विचारों पर ध्यान दें तो गुलवलकर ने अपनी गतिविधियों में सिर्फ हिंदू धर्म की एकता की ही बात नहीं कही इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिमों की शिनाख्त सबसे बड़े दुश्मन के रूप में किया उन्होंने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में मुस्लिमों के अलावा ईसाई मिशनरियों और कम्युनिस्टों को प्रमुख शत्रु के रूप में इंगित किया और इन सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं मुस्लिमों के बारे में उनके संदेह का पीछे भी मैंने वर्णन किया कम्युनिस्टों को वो बाहरी विचार का धारक मानते थे वो सोचते थे कि ये जो कम्युनिस्ट हैं वो भारत की संस्कृति भारत की परंपरा, भारत के पुरातन मूल्यों भारत की जीवन पद्धति इन सब चीज़ों का माखौल उड़ाते हैं ये भारत की जो सभ्य और भारत का और हिंदू उनके लिए पर्यायवाची था गोलवलकर के लिए और उनको ये लगता था कि ये लोग जो हैं वो एक विदेशी विचार के सहारे हिंदू धर्म का जिस तरीके से माखौल उड़ाते हैं और एक वर्ग संघर्ष के विचार को लेकर आते हैं समाज में टकराव पैदा करता करते हैं तो हिंदू धर्म की एकता के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में हैं ईसाई धर्म के बारे में वो मानते थे कि ये लोग कन्वर्जन कर रहे हैं धर्मांतरण करा रहे हैं आदिवासियों का खास तौर पर और इसके और इस धर्मांतरण के माध्यम से ये हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो विदेशी प्रभाव है वो भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद मुस्लिमों को उन्होंने खासा निशाने पर लिया और अपनी पुस्तक जो कि बाद में यह कहा गया कि गणेश दामोदर सावरकर की पुस्तक को ही एक अलग रूप में आ, प्रस्तुत करने के रूप में था नेशनहुड में वे गोलवलकर है, जो हैं, वो बेहिचक हिंदू संस्कृति को फैलाने के प्रोजेक्ट की तुलना जर्मनी में के यहूदी विरोध के साथ करते हैं वे लिखते हैं कि नस्ल और संस्कृति को शुद्ध बनाए रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों का सफाया कर दुनिया को चौंका दिया सर्वोत्तम रूप में नस्लीय गौरव वहां प्रकट हुआ जर्मनी ने यह भी दिखाया कि भिन्न भिन्न जड़ों वाली नस्लों और संस्कृतियों को का एक हो जाना असंभव है यह हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा सबक है गोलवलकर इस विचार को अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचा कहते हैं कि हिंदुस्तान में विदेशी जाति को हिंदू संस्कृति और भाषा को अपनाना हिंदू धर्म का सम्मान करना और आदरपूर्ण स्थान देना सीखना होगा हिंदू जाति और संस्कृति यानी हिंदू राष्ट्र का और हिंदू जाति की महिमा के अलावा और किसी विचार को उन्हें नहीं मानना होगा और अलग अलग अस्तित्व को भुलाकर हिंदू जाति में विलय हो जाना होगा या उन्हें हिंदू राष्ट्र के अधीन होकर किसी भी अधिकार का दावा किए बिना बिना विशेषाधिकार के यहाँ तक नागरिक के रूप में अधिकारों से वंचित होकर देश में रहना पड़ेगा और ये बहुत ही खतरनाक विचार के रूप में हैं और जो बाद में गोलवलकर समग्र का प्रकाशन हुआ उसमें से भी इसे हटा दिया गया क्योंकि बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व करने वाले लोगों ने यह महसूस किया कि यह विचार जो है वो आकर्षक नहीं है बल्कि यह देश के भीतर एक तरीके से जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनमें आर के प्रति और ज़्यादा दुराव और संदेह को बढ़ाएगा और ये साफ तौर पर एक जो नस्लीय हिंसा है उसको बढ़ाने वाले विचार हैं और इसमें साफ तौर पर एक तरीके से सही साबित करने की भी कोशिश की गई है हिटलर की गतिविधियों को और हिटलर की गतिविधियों को सही साबित करना आ, अपने आप में बहुत ही अजीब बात लग सकती है क्योंकि हिटलर ने निर्दोष पुरुषों को स्त्रियों को बच्चों को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो लोग आ, किसी और धर्म को मानने वाले थे वो लोग यहूदी थे और आ, उसने ऐसा कुछ लोगों के साथ नहीं किया बल्कि गैस चैम्बर बनाकर एक पूरी आ, जनसंख्या को उसने साफ करने की रणनीति बनाई और लाखों लोगों का कत्ल बेरहमी से हिटलर के द्वारा गैस चैम्बर में किया गया तो ऐसे में उस पूरे विचार को भारतीय संदर्भ में लाना और उसके औचित्य साबित करने की कोशिश करना एक ऐसा विचार था जिसे बाद में आरएसएस का नेतृत्व स्वीकार्य करने लायक नहीं मान पाया और उसने इसे पूरी तरीके से त्याग दिया लेकिन इसके बावजूद इस पहलू को अगर हम छोड़ दें तब भी हम देखेंगे कि गुलवलकर के विचारों में कई तरह के अंतर्विरोध हैं जो सबसे बड़ा अंतर्विरोध उनके विचारों में है कि वे समाजवाद का विरोध करते हैं और मैंने जैसे पहले कहा कि वो समाजवाद साम्यवाद इन सब चीज़ों को एक में गड्डम गड कर देते हैं और सैद्धांतिक स्पष्टता से वो अपनी बातों को नहीं रखते हैं लेकिन आम तौर पर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति से इस तरह के सैद्धांतिक स्पष्टता की अगर हम आ, उम्मीद करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीद करना भी माना जा सकता है लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि गोलवलकर जिस तरीके से विदेशी विचारों का विरोध करते हैं और उसको अपनाने के लिए नेहरू का विरोध करते हैं कि दूसरे अन्य नेताओं की आलोचना करते हैं उसमें जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि खुद वो जिस रूप में राष्ट्रवाद के सिद्धांत को ग्रहण करते हैं वह राष्ट्रवाद पश्चिम से आयातित विचार है जहाँ पर भाषा के आधार पर एक होमोजेनस या समरूपी समुदाय की कल्पना की गई एक ऐसा समुदाय जिसमें सभी लोग तकरीबन एक जैसे हों और इसी विचार को वो पूरी तरीके से उठाकर भारत में ले आते हैं निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिसमें महात्मा गांधी भी सम्मिलित हैं जो मानते हैं कि हाँ भारत एक राष्ट्र था लेकिन जब वो कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र था उसका मतलब यह नहीं था कि एक ऐसा कोई केंद्रीय विचार था जिसके द्वारा हर किसी को एक तरह की पहचान में ढाला जा रहा था इसके बजाय वह एक ऐसी भावना के रूप में था जहाँ पर लोग यह मानते थे कि वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और टैगोर ने इसके लिए राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करने पर भी आपत्ति जताई नेशन शब्द का इस्तेमाल करने पर उन्होंने आपत्ति जताई बल्कि उन्होंने इसके स्थान पर एक सिविलाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की लेकिन जिस रूप में गोलवलकर राष्ट्र के विचार को लेकर आते हैं वह पूरी तरीके से यूरोप से प्रभावित विचार था और यह विचार और यूरोप का प्रभाव नाजीवाद का प्रभाव उनके पिछले बातों में भी दिखता है जहाँ पर वो नस्ल के सफाई के लिए काफ़ी प्रशंसा करते हैं जर्मनी के आ, हिटलर के शासन की लेकिन अगर उसको हम एक तरफ रखते तब भी यहाँ पर जिस रूप में वो राष्ट्र के विचार को एक समरूपी राष्ट्रवाद के रूप में सामने लाते हैं वह एक पश्चिम के प्रभाव को दिखाने के रूप में सामने आता है यानी एक तरफ वह दूसरे बुद्धिजीवियों की नेताओं की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि वे बाहर से लाए हुए विचारों से प्रभावित हैं तो दूसरी तरफ खुद वो भी इन्हीं विचारों से प्रभावित हैं इन्हीं विचारों को आदर्श मानते हुए एक तरीके से भारत में उनको कार्यान्वित करना चाहते हैं दूसरा कि वो हिंदू धर्म की जिस तरह की अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं वह हिंदू धर्म के मूल चरित्र के खिलाफ है यानी कि एक तरीके से हिंदू धर्म के चरित्र के बारे में आमतौर पर यह समझ है कि यह बहुल है और अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करें तो हमें यह समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी कि जिस तरह की धार्मिक परंपराएं उत्तर भारत में हैं उससे काफ़ी अलग धार्मिक परंपराएं दक्षिण भारत के हिंदुओं में हैं जिस तरह की धार्मिक परंपराएं या जो आ, लोक जीवन की जो बातें हैं या पूजा पाठ की भी कुछ हद तक जो पद्धति है जिस तरह से अगर वो पंजाब के हिंदुओं में है हो सकता है और काफ़ी संभव है यह मुमकिन है और हम इसे देख सकते हैं कि बिहार के हिंदुओं में उससे अलग हो तो या बंगाल के हिंदुओं में उससे अलग हो या तमिलनाडु के हिंदुओं में उससे अलग हो तो हिंदू धर्म का जो एक विशिष्ट बहुलता का जो चरित्र है उस चरित्र को गोलवलकर एक तरीके से उसको हल्का करने का प्रयास करते हैं और वो इस एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं जिसमें कि कुछ खास तत्वों पर वो बल देते हैं और जब एक खास तरह की पहचान राष्ट्र के माध्यम से आरोपित की जाएगी और एक कठोर अर्थों में राष्ट्र बनाने का अर्थ ही यह है कि हम कुछ बातों को कुछ पहचानों को तय करें तो निश्चित रूप से वह सिर्फ देश के अल्पसंख्यक समूहों का ही बहिष्करण नहीं करेगी बल्कि वो हिंदुओं में भी जो अलग अलग प्रथाओं को मानने वाले लोग हैं उनका भी बहिष्करण कर सकती है तो यह भी उनके विचारों में एक अंतर्द्वंद्व है कि वो जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं वह खुद हिंदू धर्म की बहुलता के खिलाफ जाता है तीसरे स्तर पर अल्पसंख्यकों के बारे में जो उनके विचार हैं अगर हम उनका मूल्यांकन करें तो वे सारे विचार जो हैं वो एक तरीके से जो संविधान के जो मूल भावना है उसके खिलाफ जाते हैं क्योंकि हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को काफ़ी अधिकार दिया गया है और वो जो अधिकार है वो उन्हें धर्म मानने की और अपने धर्म अपने पूजा पाठ की पद्धति की अपने भाषा की को के हिसाब से अपना जीवन यापन करने के अधिकारों से जुड़ा हुआ है लेकिन गोलवलकर जो हैं वो सभी अल्पसंख्यकों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हिंदू सांस्कृतिक धारा के भीतर सम्मिलित हो जाएं। अब अगर हम बहुत उदार रूप में इसकी व्याख्या करें तब भी यह बात सामने आएगी कि यह एक तरीके से अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यक समूहों के अपने धार्मिक पद्धतियों को खुलकर अपनाने उनका प्रदर्शन करने उनके हिसाब से अपना जीवन यापन करने अपनी भाषा को तरजीह देने अपनी भाषा को बढ़ावा देने इन सब अधिकारों के खिलाफ जाता है क्योंकि उसमें यह उम्मीद की जाती है कि पूरे हिंदुस्तान में एक सांस्कृतिक धारा है जो कि हिंदू सांस्कृतिक धारा है और वो सभी लोग उसमें सम्मिलित हो जाएं। ये गुलवलकर के विचारों की एक उदार व्याख्या है अगर हम इसके विचारों के को और ज़्यादा ठोस रूप में अपनाने की कोशिश करें तो उसमें यह खतरा नजर आता है कि वे अल्पसंख्यक के अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित करने की वकालत भी कर सकते हैं वे इस बात की वकालत भी कर सकते हैं जैसे कि उनके एक पुस्तक में आता है कि उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए और ये भी बात याद रखने की है कि अगर गुलवलकर के विचारों को उदार रूप में समझते हुए हम हिंदू सांस्कृतिक धारा की भी बात करते हैं तब भी वह अल्पसंख्यक अधिकारों को चोट पहुंचाता है तो एक लिहाज से इनके विचार भारत के जो कई अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके अधिकारों के प्रति उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति अवहेलना का भाव रखता है इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात समझने की है वह यह कि अपने लेखन में वो एक सामंजस्य और समरसता के बजाय बार बार इस चीज को लेकर सामने आते हैं कि कुछ अल्पसंख्यक समूह हैं जो खतरा हैं तो इसे भी एक आकर्षक विचार के रूप में नहीं देखा जा सकता है लेकिन अगर एक चिंतक के रूप में और एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम गोलवलकर के काम पर नज़र डालें तो उनका काम काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है उस विचारधारा को का प्रसार करने में जिस पर उनकी आस्था थी उसका प्रसार करने में उन्होंने काफ़ी धैर्य और लगन के साथ काम किया जब वो आर एस एस के सरसंघ चालक बने तो संगठन भी बहुत व्यापक नहीं था हालांकि देश के कई भागों में इसका विस्तार हो चुका था लेकिन उसके बाद के दौर में आर एस एस को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस पर प्रतिबंध लगा लेकिन आ, जो गोलवलकर थे उन्होंने धैर्य के साथ लगातार इस बात की कोशिश की कि संघ का कार्य विस्तृत हो समाज के अलग अलग तबकों में जाए समाज के अलग अलग तबके संघ के विचार को जाने उसे स्वीकार करें और वो यह मानते थे कि यह संघ के की एक अमिट छाप होगी समाज पर जो कि राजनीतिक सत्ता को हासिल करने से काफ़ी अलग होगी और अगर हम इस बात को देखें कि जो जिस रूप में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा है और जिस रूप में उसकी राजनीतिक शाखा के रूप में भारतीय जनता पार्टी राजनीति में लगातार सफलता हासिल करती रही है तो उसमें जो गोलवलकर के द्वारा जमीनी स्तर पर काम किया गया उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी बाद के दौर में आ, उनकी कुछ विचारों में आर में संशोधन किया गया मिसाल के तौर पर आर ज़्यादा व्यवहारिक रूप से राजनीति के साथ अपना लेन करने लगी मिसाल के तौर पर आर ने वर्ण व्यवस्था की कोई एक आदर्श व्यवस्था मानने की जो गोलवलकर के विचार थे उसको धीरे से करके अप्रासंगिक बताते हुए त्याग दिया गुलकर वो यह मानती थी कि अगर आदर्श रूप में लागू किया जाए तो वर्ण व्यवस्था सामाजिक ढांचे के लिए एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है लेकिन वो ये बात साफ थी कि कर, कहीं भी यह आदर्श रूप में मौजूद नहीं है या अपने विकृत रूप में मौजूद है और आदर्श रूप का मतलब यहाँ पर यही है कि वह जन्म के बजाय कर्म पर आधारित हो और उसमें लगातार बदलाव होता रहे तो निश्चित रूप से वो एक तरीके से इसकी तरफदारी कर रहे थे जिसे बाद में सत्तर के दशक में देवरस ने बदला और कई तरह से नए सामाजिक समूहों को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की और यह कोशिश गोलवलकर के समय से ही शुरू हो चुकी थी तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जो माधव सदाशिव गोलवलकर एम एस गोलवलकर या गुरु गोलवलकर थे उन्होंने भारत में दक्षिण पंथ या हम कहें हिंदू दक्षिण पंथ की राजनीति को मजबूती देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हालांकि वे सावरकर से लगातार एक दूरी रखते रहे और उन्होंने कभी खुद को उस तरीके से राजनीति से नहीं जोड़ा और ना ही वो अपने संगठन को उस तरीके से राजनीति से जोड़ना चाहते थे जैसा कि सावरकर चाहते थे ना ही उन्होंने अपने संगठन को हिंदू महासभा से जोड़ा लेकिन इन सब के बावजूद कुछ बुनियादी विचार जो सावरकर ने अपनी पुस्तिका हिंदुत्व में प्रस्तु हिंदुत्व में प्रस्तुत किया था उन्नीस सौ में उसे सावरकर ने अपने काम के माध्यम से आगे सॉरी गोलवलकर ने अपने काम के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की सावरकर ने भी कोशिश की पर सावरकर की राजनीति उस सीमा तक नहीं जा पाई और वो संघ के प्रति एक नाराजगी का भी भाव रखते थे पर गोलवलकर ने लगातार यह कोशिश की कि वह विचार जो है वो हिंदुओं के मन को अनुप्राणित करे कि वो एक हैं और बाकी जो समुदाय हैं उनके बरक्स उन्हें खुद को गोलबंद करना चाहिए अपने अधिकारों को असर्ट करना चाहिए और इसके बारे में जो एक आलोचनात्मक बिंदु है उसकी हमने पीछे चर्चा की ही तो मुझे यह उम्मीद है कि इस पूरे व्याख्यान में आ, मैं आपको एक समझ दे पाया हूँ माधव सदाशिव गोलवलकर के जीवन के बारे में उनके कार्यों के बारे में उनके विचारों के बारे में और उनके कार्यों और विचारों के एक आलोचनात्मक रूपरेखा भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूँ तो आज की इस पूरी चर्चा को हम यही विराम देते हैं आ, अगले अंक में हम मिलेंगे और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों के श्रृंखला में एक अन्य राजनीतिक चिंतन चिंतक पर हम विचार करेंगे तब तक के लिए नमस्कार